सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये क्या अडवाणी मैम की ड्राइंग का पार्ट थ्री। तो इस पार्ट में हम ड्रॉ करने वाले हैं हेयर्स को। तो पहले दो पार्ट में हमने देखा कि कैसे हमने आउटलाइन ड्रॉ करी और शेडिंग करी फेस में। तो वो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और इस फोटो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अगर आप बनाना चाहें तो। तो चलिए बिना किसी देरी के ड्राइंग शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आइडेंटिंग टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ हेयर्स में। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल है जो मेरे पास सकुरा की, उसकी लेड को अंदर करके जो मेटल का पार्ट बाहर होता है उससे आइडेंटिंग कर रहा हूँ। अगर आपका ऐसी मैकेनिकल पेंसिल नहीं है जिससे आइडेंटिंग हो पाए तो आप कोई पेन ले सकते हैं जिसकी इंक पूरी खाली हो चुकी हो। बिल्कुल खाली पेन लेना, बार बार चला के देख लेना कि उसमें चल तो नहीं रहा, नहीं तो आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है अगर पेन चल गया आइडेंटिंग करते टाइम। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था एक बार, इसलिए बता रहा हूँ आपको। और अब मैं 2B की मैकेनिकल पेंसिल से हेयर्स की फर्स्ट लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 2B की लेड नहीं है मैकेनिकल पेंसिल की, तो फिर आप कोई नॉर्मल वुडन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं 2B की। बहुत प्रेशर में बहुत कम लगा रहा हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता स्टार्टिंग में, नहीं तो फिर बाद में हाईलाइट्स भी करने तो उसमें प्रॉब्लम आएगी फिर, और जहाँ पे हाईलाइट्स हैं वहाँ पे लाइट छोड़ दे जा सी रहेगा। और हेयर बिल्कुल हेयर से स्ट्रोक्स देखनी है, रेफरेंस फोटो में किस साइड में स्ट्रोक्स हैं उसी डायरेक्शन में हमको स्ट्रोक्स लगाने हैं इसके। और जहाँ पे थोड़ा डार्क है वहाँ पे हल्का, वहाँ पे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, जिससे कि हम वो आगे का आइडिया हो जाएगा कैसे शेड करना है बाद में आगे की लेयर्स में। सो गाइस, फर्स्ट लेयर तो शेड हो गई है, मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश का यूज़ करके। और ब्लेंड में तो आपको लाइट प्रेशर का अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, नहीं तो पैचेस पड़ सकते हैं। और अब मैं 6B पेंसिल से सेकेंड लेयर शेड कर रहा हूँ। इसमें मैंने बस थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर मत लगाया, नहीं तो फिर ब्लेंड नहीं हो पाएगा अच्छे से, हाईलाइट्स भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो तो बिल्कुल कम प्रेशर लगाना है। और 10B से भी हम पहले लाइट प्रेशर से करेंगे, फिर धीरे धीरे डार्क प्रेशर पर जाएंगे। सो गाइस, अब मैं 10B पेंसिल से हेयर शेड कर रहा हूँ।
तो ये 10B से मैं ही फर्स्ट ले आ रहा है, इसमें ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, हम एक बार में नहीं, पहले लाइट को प्रेशर का अप्लाई करके शेड करेंगे, फिर उसका ब्लेंड करेंगे, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, ऐसे ही धीरे धीरे करके डार्केस्ट वैल्यू अचीव हो जाएगी हमें। और पेंसिल को आपको हमेशा शार्प रखना है, क्योंकि अगर आप शार्प नहीं रखेंगे तो फिर हेयर के स्ट्रोक्स जो है वो रियलिस्टिक नहीं लगेंगे, इसलिए आपको हमेशा शार्प पेंसिल का यूज़ करना है। सो वैसे मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके हाइलाइट्स कर रहा हूँ। मोनो जीरो इरेजर तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर्स में हाइलाइट्स के लिए, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, आप कोई भी सिंपल इरेजर को कट करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी 2.5 साल तक ये इरेजर नहीं खरीदी, बस आपको सिंपली प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगा के आपको इरेज करना है, जैसे आप नॉर्मल इरेजर से करते हैं।
सो गाइस हाइलाइट्स करने के बाद मैं ब्रश से हल्का सा ब्लेंड कर रहा हूँ, इससे क्या होगा शेडिंग और जो हाइलाइट्स होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो उससे और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा, नहीं तो जो फिर वाइट वाइट से दिखेंगे तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगते इतने। और अब मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगा क्योंकि कुछ हेयर्स हैं जो बिल्कुल अलग से निकलते हैं स्ट्रोक्स में से, तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम वाइट हैं, तो उसके लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर नया होता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मैं उस पर ड्राइंग में पिक्चर्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आगे फॉलो कर लेना। तो और नेक्स्ट पार्ट में हम ड्रा करेंगे इसके नेक और क्लोथ्स, सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।